व्यवस्था ठीक नहीं है साहब, सरकार इसका निराकरण करना ही नहीं चाहती है। तो ये गंदा पानी हम सरकार को पिलाएंगे पिएगा वो क्या? न तो रूपाणी जी सुनते हैं, न मोदी जी सुनते हैं, न कमलनाथ जी सुनते हैं, न हनी बघेल सुनता है, तो जाएं किसके पास? नमस्कार, मैं हूं काशिफ काकवी और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में, जहाँ पर बाढ़ ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है और करीब 192 गाँव जो नर्मदा नदी के दोनों तरफ बसे हैं, चाहे वो बड़वानी जिला हो चाहे धार, या डूब चुका है या तो डूबने की कगार पर। चूंकि सरदार सरोवर डैम जो गुजरात जो यहाँ से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, उसमें 138.68 मीटर पानी भरने तक का इंतज़ार किया जा रहा है। उसके भरने के बाद ही उसके पानी को खोला जाएगा। पानी रोकने की वजह से ये जो एरिया जो गाँव दोनों तरफ बसे थे नर्मदा के, उनमें भारी जल भरा हुआ है, कई जगह टापू में तब्दील हो चुकी है। लोगों का कहना है कि उनका पुनर्वास नहीं किया गया, उन्हें पहले से बताया नहीं गया, पहले से चेताया नहीं गया, और जब पानी एकदम उनके दरवाजे पे पहुंचा तो सरकार ने आनन फानन में उनको वहां से उठाकर तीन शेड में, अलग अलग जगहों पर बने तीन शेड में उनको रख दिया गया। कई के घर डूब गए, कई के सामान डूब गए। सब परेशानी है, डूब रहे, पानी गंदा पी रहा, और वहीं से भगाड़ने की कोशिश, कहाँ जावांगा काम बसांगा, हमारे घर सामान जाके देख लो कि कितना सामान है। एक दो बस का तो कोई हमारा ये नहीं है, कम से कम 15-20 गाड़ी लगेगा तो अभी सामान जाएगा। अच्छा, तो कहाँ ले जाएंगे इन सामान को? नहीं पलाट दिया हमको, नहीं कई जगह साधन है हमारा, तो कहाँ रुकेंगे सामान को ले जाके, किसके घर रखेंगे? ये परेशानी है हमारी, तो पानी तो भरता जा रहा हूँ। को अभी यहाँ से टीन सेट में ले जाया गया है, जो कि हर साल मतलब सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है। 2017 में की 18 में बाढ़ नहीं आई तो कई टीन सेट खाली रहे, अभी 19 में वापस ले जाके वहाँ पटक दिया है। 2 महीने बाद यहाँ पे पानी का लेवल और कम हो जाएगा तो हमको वापस वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो सरकार मतलब इसका जो भी पूरी तरीके से निराकरण नहीं करती है, हर साल बस वो टीन सेट के टेंडर आ जाते हैं उनके पास, खाना खिला देते हैं लोगों को, 1-2 महीने वापस फेंक देते हैं। जो जो हम 34 साल से कह रहे थे वो सब सच्चाई में उतरा हुआ दिखाई देता है। हम इससे खुश नहीं है, पर ये हकीकत है। जैसे कि सरदार सरोवर का जो डूब क्षेत्र है 214 किलोमीटर लंबाई का, इसमें मध्य प्रदेश के ही 192 गांव है और एक नगर है। 192 में से कम 125 गांव प्लेन एरिया के, मैदानी क्षेत्र के हैं, इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कहीं छुपने के लिए एक पहाड़ भी नहीं है। ऐसे गांवों का संपूर्ण पुनर्वास होना चाहिए था। लड़ लड़ कर हम लोगों ने एक एक चीज मंजूर करवाई। ऐसे जिनकी जमीन की पात्रता है कानून यानी ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, उनको 5.5 लाख में फर्जीवाड़े में फंस गए लोग, तो आज अगर जमीन डूबी तो वो भूमिहीन ही हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में लड़कर हमने जिनको जमीन नहीं दी 60 लाख उनको, और जो फर्जी में फंसाए गए या फंस गए खुद होके, उनको 15 लाख इस प्रकार से लिया। भूमिहीनों को, एक एक कारों को, केवटों को, मच्छीमारों को, एक एक अधिकार लिए, कुमारों को, पर सभी पूरा अमल में न लाते हुए ये जो डूब आ रही है उसके कारण जो पानी घुस रहा है उसने और भी चीजें सामने लाई। सर्वे गलत साबित हुए। अभी गांव-गांव में फिर से लेवल लगाने का काम इस नई सरकार को शुरू करना पड़ा, क्योंकि पिछली सरकार ने 15 साल तक न हमसे संवाद किया, न सच्चाई कभी कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने झूठे एफिडेविट्स दिए जिसमें 0 बैलेंस बताया, सभी का पुनर्वास हो गया है बताया, सभी निमाड़ के और जंगल क्षेत्र के पेड़ काटे गए हैं बताया, जिन्होंने 16,000 परिवारों को अचानक बैक वाटर से प्रभावित थे उनको बाहर कर दिया। ये सब खेल जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से मंजूरी दी और कुछ हमने पुनर्वास के लाभ उनसे छीन लिए। लेकिन आज केंद्र सरकार कह रही है कि उनके हाथ में वो पुराने एफिडेविट्स है, और आज की सरकार जो लिख रही है उनको
चीफ सेक्रेटरी ने भी लिखा, आज भी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग मध्य प्रदेश के मांग पर फिर से पुनर्विचार के लिए बैठी है, लेकिन जो वो पुराने शपथ पत्र दिखाकर पुनर्वास पूरा होना का दावा करके 138.68 मीटर पर पानी भरने की बात कर रहे हैं, वो हमारे दृष्टि से अवैध ही नहीं, अमानवीय है। गुजरात को इस साल कोई पानी की जरूरत नहीं, लबालब जलाशय भरे हुए हैं। और बिजली घर मुख्य जो है 1450 में से 1200 मेगावाट वो बंद रखते तो मध्य प्रदेश को न बिजली दे रहे न पानी पर अधिकार है, महाराष्ट्र को न बिजली दे रहे न पानी का अधिकार है। तो गुजरात के जो मनमानी है उसका सामना मध्य प्रदेश कर रहा है, पर जितना सशक्त रूप से उन्होंने करना चाहिए ऐसा हमको लग रहा है उतना सशक्त नहीं हो रहा है। सरदार सरोवर का जो डैम का लेवल है वो अभी 137.600 हो गया है और 38 भरेगा तो ये गांव भी जलमग्न होने ही वाला है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो घर भी नहीं बचेगा। बस आप जंगल में रहने लायक हो गए हैं, अब तो घर भी टूट जाएगा, बस क्या है, जंगल में रहेंगे कहीं पे भी। फिर मजदूरी करना पड़ेगा। हाँ मजदूरी करेंगे, आप खेती किसानी जो करते थे उन लोगों को ये मजदूरी करने पे ला दिया शासन प्रशासन ने। और ये जो हम अपने पीछे ये जो देख रहे हैं ये पाटी नाका टीन शेड है जो बड़वानी जिले में मौजूद है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 10x10 का जगह इनको दी गई है और इस नाके में करीब 300 टीन शेड ऐसे बनाए गए हैं और 191 परिवार अब तक यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है, कई जगह पर गेट नहीं है, गेट है तो उसमें ताले नहीं है, कैसे लगाएंगे कैसे काम करेंगे। कई शेड्स में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, तो इस तरह की मूलभूत समस्याएं हैं। खाना है, खाना आ रहा है तो बहुत लेट आ रहा है तो उस वो गुणवत्ता नहीं है, मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। लग नहीं रहा है, दरवाजा ऐसे गिर जाते हैं, अब हम सोए भी तो कैसे सोए, महिला अकेली सोए तो कैसे सोए, बच्चे रहते हैं कहीं उनको छोड़ के जाओ टॉयलेट करने तो वहाँ पर भी इतनी दूर बच्चों को कैसे अकेले छोड़ के जाए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, नहा भी नहीं सकते हम, कैसे नहाए यहाँ पर, क्या वहाँ सामने टंकी के पास जाके नहाए।